हमारे रहीम, तो हमने सोचा क्यों ना एक सीरीज़ बना ली जाए एक एक मिनट की। तो स्पेन फैमिली रिजूनियन वीज़ा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं और कैसे कैसे आप उसको तैयार करा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, क्योंकि बेशतर देखा गया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट में आकर लोग काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फाइल जो होती है वो मज़ीद लेट हो जाती है। बेसिक चीज़ जो है वो आपने ये नोट करनी है कि मेडिकल जो है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 90 दिन के अंदर अंदर आपने जब मेडिकल इशू करवाना है, उसके बाद फ़लाना फिसे कराने के बाद, ट्रांसलेशन कराने के बाद आपने सबमिशन करवा देनी है। दूसरी बात ये है कि उसमें इंटरनेशनल ट्रैवल का जो है वो जिक्र होना लाजिम है। तीसरी बात, किसी भी सरकारी THQ या DHQ का जो है आपने मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है, और मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए जो है उसको ऑफिस से करवाना है, फ़ौरन ऑफिस के बाद ट्रांसलेशन करवानी है, और फैमिली रीयूनिफिकेशन में वाइफ हो या बच्चे हो, सब में इंक्लूड होगा और जाके आपकी फ़ाइल जमा हो जाएगी।